पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ जमाने के बाद ममता बनर्जी यूपी चुनाव में भी अपनी धौंस जमाने में जुट गई है। लिहाजा इसी को लेकर दीदी ने टीएमसी के विस्तार करने की कवायद शुरू कर दी है और इसी कड़ी में कांग्रेस के दो कद्दावर नेता राजेश पति त्रिपाठी और ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के खेमे में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों बाप बेटों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ही दोनों नेताओं के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी थी। सियासी गलियारों में तो खबर ये भी थी कि बाप बेटे एसपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन दोनों नेताओं ने टीएमसी का दामन थाम कर सबको चौंका दिया। वहीं सिलीगुड़ी में दोनों नेताओं के टीएमसी खेमे में शामिल होने के दौरान सीएम ममता बनर्जी और पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। बता दें कि ललितेश यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके कमलापति त्रिपाठी के पोते हैं। ललितेश का मिर्जापुर वाराणसी जैसे इलाकों में काफी प्रभाव माना जाता है। इतना ही नहीं, ललितेश यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं खबरें तो ये भी हैं कि यूपी में तृणमूल कांग्रेस ललितेश पति त्रिपाठी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। टीएमसी में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीजेपी को यूपी और केंद्र से बाहर करना ही हमारा लक्ष्य है। वहीं दोनों ही नेताओं के टीएमसी में शामिल होने पर ममता बनर्जी ने कहा, यूपी के नेताओं का शामिल होना इस बात की गवाही देता है कि हम अब एक अखिल भारतीय पार्टी है जो कि भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। हम यूपी में काम करेंगे तो यूपी के लोगों को लेकर ही करेंगे, हम लोगों के साथ साथ रहेंगे। अखिलेश यादव मेरे छोटे भाई की तरह है, हम उनके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। पिछले दिनों लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल लखीमपुर भेजा था और हिंसा की कड़ी निंदा की थी। वहीं ललितेश पति त्रिपाठी के टीएमसी में एंट्री के पीछे भी प्रशांत किशोर का हाथ बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि दोनों नेताओं के टीएमसी में शामिल होने के बाद यूपी चुनाव में पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।